हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए सूजी की बहुत ही जबरदस्त टेस्टी मिठाई लेके आई हूँ। ये बनाने में बहुत सिंपल रहती है, खाने में इतनी सॉफ्ट और मुलायम बनती है। आप इस रेसिपी को देखेंगे तो आप इस मिठाई को देखने के बाद आप कोई भी आपके घर में ओकेशन होगा उस वीडियो को आप जरूर बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को करें सब्सक्राइब। तो आइए हम अपनी वीडियो बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने एक बाउल सूजी ली है, एक कढ़ाई गैस पे रखते हैं और इसमें हम ये जो सूजी है वो डाल देते हैं और गैस को मध्यम करते हुए हम सूजी को भून लेते हैं। मीडियम गैस पे हमें सूजी को भूनना होता है। 2 मिनट के लिए हम सूजी को भूनते हैं जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज ना होने दिखाई देने लगे। से इसका हल्का हल्का कलर चेंज हो गया है, अब हम इसमें दूध डालते हैं। जितनी हमने सूजी ली है उसका दुगना दूध हमें इसमें डालना होता है। तो जैसे हमने एक बाउल सूजी ली थी तो उसका दुगना दूध मतलब कि 2 बाउल दूध इसमें हम डाल देते हैं और इसे अच्छे से मतलब कि हमें थोड़ा सा इसे इसमें दूध को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी आप देखेंगे सूजी सारा दूध एब्जॉर्ब कर लेगी, एकदम फूल के आएगी। अभी आप देखिए इसे, जैसे कि ये देखिए हमारी सूजी ने सारा दूध एब्जॉर्ब कर लिया। इस तरीके से हो गया है एक मिश्रण तैयार। तो इसे अब हम ढकते हुए गैस बंद कर देंगे और इसे हल्का गुनगुना होने तक के लिए छोड़ देंगे साइड से। अब हम एक दूसरी कढ़ाई गैस पर रखेंगे, इसमें हम बाउल पानी डालेंगे। जैसे हमने एक बाउल पानी डाला है तो उसमें 1 बाउल ही शक्कर हम डाल देते हैं। इक्वल क्वांटिटी में हम पानी और शक्कर लेते हैं और इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। जब तक वहाँ पर हमारा जो वो गर्म मिश्रण है सूजी का वो भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा, हमें उसे गुनगुना होने तक मतलब ऐसे हल्का ठंडा रहे हो जाए उतना हमें करना होता है। इसमें अब हम छोटी इलायची को छीलते हुए इस तरीके से डाल देते हैं और हम थोड़ी सी इसमें डाल देते हैं केसर पत्ती। उसके बाद इसमें हम जो है इसे मिक्स करते हुए इसमें थोड़ा बॉईल आने देते हैं और अपनी ये जो चाशनी है शुगर सिरप जिसे हम कहते हैं उसे बना के तैयार करते हैं। बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बनाई होती, हमें इसमें इतना देखना होता है कि हमारी बिल्कुल थोड़ा हाथ में चिपकने लग जाए, इतनी हमने चाशनी इसकी जो है बना के तैयार करनी होती है। ये देखिए हमारी इसमें शक्कर मेल्ट होने लग गई है, बॉयल आने लग गया है पानी में। तो इस तरीके से हमारी तैयार हो गई है जिसे आप देख सकते हैं। अब हम एक बार चेक कर लेंगे, आप बाउल में निकालते हुए हाथ से मतलब जैसे भी आप चेक करना चाहें, इसे 2 उंगली के बीच में लेते हुए हम चेक करेंगे कि उंगली में चिपक रही है कि नहीं। जैसे हल्की हल्की चिपक रही है तो हमारी ये जो चाशनी है बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। गैस अब हम बंद कर देंगे और इसे साइड से ढककर रख देंगे। अब ये हमारी सूजी है ये भी हमारी ठंडी हो गई, मतलब हल्की गुनगुनी रह गई है। तो अब हम इसे लेंगे, इसमें हम पिसी हुई शक्कर डाल देते हैं, 2 स्पून लगभग पिसी हुई शक्कर इसमें हम डाल देते हैं और इसे खूब अच्छी तरीके से मलते हैं। अच्छे मिक्स करते हुए शक्कर को इसमें बहुत अच्छी तरीके से हमें इसे मलना होता है, अच्छे से हाथों की मदद से इसे मलते जाते हैं, एकदम चिकना करने तक हमें इसे मलना होता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने किस तरीके से इसे मलते हुए एकदम तैयार किया है। थोड़ा सा घी भी हम लगा देते हैं इस पे, जैसे हम मिठाई बना रहे हैं तो इस पे आप घी का यूज करें तो ज्यादा बेटर है। और एकदम इसे हम चिकना कर लेते हैं। जितना अच्छी तरीके से आप इसे मलेंगे उतनी अच्छी हमारी ये मिठाई जो है बिल्कुल बनकर आती है। तो हमें इसे अच्छी तरीके से बिल्कुल मलते हुए तैयार करना होता है, एकदम चिकना कर लिया है। अब हम इसमें से एक पार्ट उठाते हैं, मतलब इसका एक पार्ट लेते हैं और इसकी एक लोई बनाते हैं, गोल गोल थोड़ी बड़ी लोई बनाते हैं हम इसे। हमने इस तरीके से इसकी लोई बना ली है, इसे हल्का प्रेस करते हुए अब हम एक चकला लेते हैं, चकला बेलन लेंगे और इस पे इसे रखते हुए थोड़ा सा घी लगा लेते हैं ताकि ये चिपके नहीं और इसे बेल लेते हैं, गोल गोल अच्छी तरीके से बेल लेते हैं। हमें ज़्यादा पतला नहीं बेलना होता है और ना बहुत ज़्यादा मोटा रखना होता है, इसे नॉर्मल मतलब जैसे अभी देखिएगा इतना मोटा हमें इसका रखते हुए इसे बेलना होता है, एकदम पतला नहीं करते इसे हम। इस तरीके से हम इसे गोल गोल करते हुए बेल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको लंबे लंबे इसमें कट लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस देते हुए इसके लंबे लंबे कट लगाएंगे। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से हमने इसे कट किया है, इस तरीके से हम इसे कट करते हैं और उसके बाद हम इसकी चौकोर शेप देते हुए दूसरी साइड से भी इसको लंबे लंबे जितने बड़े आपको रखने हैं ये उस हिसाब से इसमें कट लगाते जाइए। इस तरीके से हम तैयार करके इन्हें प्लेट में रख लेते हैं, ऐसे चौकोर चौकोर बनाते हुए प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम बाकी बच्चे भी बना के तैयार कर लेते हैं। अब इधर हमने घी को गरम कर लिया है, जब हमारा घी गरम हो जाए तो हम मध्यम गैस पे इन्हें डीप फ्राई कर लेते हैं, इन्हें डालते हैं और इन्हें डीप फ्राई कर लेते हैं। मध्यम गैस पे ही हमें डीप फ्राई करना होता है
और जैसे ही अभी हल्के सिकने लग जाएंगे तो हम गैस को थोड़ा सिम भी कर देते हैं ताकि ये हमारे अंदर तक एकदम क्रिस्पी सिक कर आए और ये एकदम सॉफ्ट बनती है। अभी जब हम इसे चाशनी में डिप कर देंगे तो एकदम ये सॉफ्ट हो जाएगी और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। आपके घर पर कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आप इसे बनाइए, उन लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। इस तरीके से हम इन्हें डीप फ्राई कर लेते हैं। हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई करना होता है और आप हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको ये मिठाई पसंद आ रही होगी, मुझे पूरी उम्मीद है, और इसी बात पे एक लाइक तो बनता ही है। ये हमारे जैसे डीप फ्राई हो गए, कलर आ गया, इन्हें हम प्लेट में निकाल लेते हैं, हम नैपकिन के ऊपर निकाल लेते हैं इसे, और इसी तरीके से हम बाकी बचे भी इन्हें डीप फ्राई कर लेते हैं। जितनी आपकी कढ़ाई में आ जाए एक बार में उतने आप इसमें डालिए और फिर आप थोड़ा सा मध्यम गैस पे सिकने के बाद इसे गैस को सिम कर दीजिए और फिर गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें डीप फ्राई कीजिए। बहुत ही अच्छी तरीके से ये हमारे सिक्के आते हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। कोई भी इस मिठाई को खा सकते हैं, जैसे कि बड़े लोग होते हैं उन्हें दांत में प्रॉब्लम होती है, वो कर्री चीज़ें नहीं खा पाते, तो एकदम सॉफ्ट मिठाई बनेगी, उन्हें खाने में भी बहुत ईजी होगी और उन्हें अच्छी भी लगेगी। ये हमने सारे डीप फ्राई कर लिए हैं। इधर हमारी चाशनी जो थी वो एक थोड़ी गुनगुनी हो गई है। अब गुनगुनी चाशनी में ही हमें इन्हें डालना होता है और डालने के बाद आप 2 मिनट इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए ताकि ये हमारी चाशनी जो है, मतलब कि ये जो हमने बनाए हैं वो उस चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्व कर ले। 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो एकदम एब्जॉर्व कर लेंगे और एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। 2 मिनट बाद जैसे हमारी 2 मिनट हो गए, इन्हें एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। अभी आप देखिए इसमें थोड़ा सा काम और बाकी है, अभी हमें एक और काम करना है, उसके बाद ये और स्वादिष्ट मिठाई बनकर आएगी। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, सभी को इसी तरीके से हम करते हुए एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए हमारे ये ऑलरेडी कितने सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो नारियल का बुरादा होता है वो इसके ऊपर चारों तरफ डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट और ज्यादा अच्छा हो जाएगा और हमारी ये मिठाई बिल्कुल बनके तैयार। फ्रेंड्स, कैसी लगी ये मिठाई? पसंद आई हो तो कमेंट्स में लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के लिए इस बटन को करें प्रेस। धन्यवाद।